खबरें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। खबरों के मुताबिक दोनों का पार्थिव शरीर लाया जाएगा दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,419 मामले दर्ज, वही 169 लोगों की हुई मौत, वही 8,251 लोग हुए ठीक। बीसीसीआई ने विराट कोहली को दिया 48 घंटे का टीम वेट, कोहली की जगह रोहित को सौंपी जाएगी वनडे की कप्तानी। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी होगी आज, शादी के लिए गाजीपुर से 15 टन फूल पहुंच चुके हैं फॉर्ड। बॉलीवुड एक्ट्रेस लेगलिंग फटाड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर छाई सुर्खियों में, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया जैकलिन को, वही चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में की जाएगी पूछताछ। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाडा असम विधानसभा चुनाव के लिए 10 दिसंबर से करेगी प्रचार शुरू। प्रचार के दौरान प्रियंका पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेगी मुलाकात। राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों के यहाँ RAS अफसरों को लगाया विशिष्ट सहायक, साथ ही कार्य विभाग ने देर रात 25 RAS अफसरों के किए तबादले, जिनमें मंत्रियों के यहाँ लगाए RAS अफसरों भी शामिल अपने अपकमिंग स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जैसी को लेकर शाहिद कपूर सुर्खियों में, फिल्म की रिलीज डेट का किया गया ऐलान, भारतीय सिनेमाघरों में 31 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने टाइपिंग की जूम कॉल में नौकरी से निकाल दिए 900 कर्मचारी, सोशल मीडिया पर प्रोड्यूस बॉस के नाम से हो रहे हैं वायरल। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच ऐसे सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी, T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वॉरन को जीवन दान देना इंग्लैंड को बढ़ सकता है भार। दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम रखने वालों पर दिए कार्रवाई के निर्देश, विभाग ने पूरे देश में 9 कनेक्शन और जम्मू कश्मीर असम सहित उत्तर पूर्व राज्य में 6 कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों को सिम को फिर से वेरीफाई करने और वेरीफाई नहीं होने पर डिस्कनेक्ट करने के किए आदेश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दिए गए 2 अहम फैसले, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की दी गई मंजूरी, साथ ही कैन पैथवा प्रोजेक्ट को लिंक करने की भी मिली मंजूरी। रूस में अटका शव भारत आने की जगह आज, राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए रूस में जान गंवाने वाले हितेंद्र का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किए जाने के दिए निर्देश। राज्य के हजारों ग्रेड 3 टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी जल्द तैयार, संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट भी अंतिम चरण में, जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जयपुर में एक जेलर ने आपसी रंजिश के चलते जवाहरात कारोबारी की हत्या के इरादे से करवाया जानलेवा हमला, इस काम के लिए जेलर ने उत्तर प्रदेश के 3 बदमाशों को 90,000 रुपए की दी सुपारी। सोशल मीडिया पर बर्थडे पार्टी में फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल, डीजे पर नाश से पिस्तौल के से की गई हवाई फायरिंग। प्रतापगढ़ के कोहट और थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, प्रयागराज से बस्ती जा रहे कार सवार जा रहे थे परिवार को लाखीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने मारी कर। बूंदी जिले की खिंडो थाना पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, आरोपी पिछले 6 महीने से काट रहा था फरार। कोटा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व चलाया जाएगा अभियान, जिले भर के अस्पतालों में किया जाएगा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच व टीकाकरण। चिली में मौजूद वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक महाविशालकाय ग्रह का लगाया पता, आकार में सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से बताया जा रहा है 11 गुना बड़ा। श्रीलंका की चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है,
में महंगी जहरीली खाद लेने से इनकार करने पर चीन ने किया श्रीलंका पर केस। पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन की दोस्ती के आगे टेके घुटने, लोकतंत्र पर अमेरिकी शिखर सम्मेलन से किया किनारा। व्हाइट हाउस के चीन और रूस को निमंत्रण नहीं भेजने और ताइवान को निमंत्रण देने पर विश्व ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाडा असम विधानसभा चुनाव के लिए 10 दिसंबर से करेंगी प्रचार शुरू। प्रचार के दौरान प्रियंका पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेगी मुलाकात। राजस्थान में निवेश के लिए मुंबई और अहमदाबाद के उड़े इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम और रोड शो में 3,05,000 करोड़ रुपए के मिले इन्वेस्टर प्रपोजल। रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक दिल्ली में अपनी जारी, सफदरजंग आईएमएल और लेडी होर्डिंग में रेजिडेंट डॉक्टरों ने रूटीन से लेकर इमरजेंसी तक का बहिष्कार रखा। बाकी कई अस्पतालों डीडीयू जीटीपी आरएनजेपी में ओडीपी सेवा रही प्रभावित। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहे न्यूज 19 से।